बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स बीएस प्रोग्राम, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 14, कंडीशंस एंड रूल्स ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस रूल्स का थर्ड पार्ट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक्स थे और लेंथी थे, इसलिए मैंने इन्हें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपकी सहूलत के लिए। तो हम डायरेक्ट इसे स्टार्ट करते हैं। पांच रूल्स हमने इसके कर लिए थे, तो सिक्स रूल जो है, कंपाउंड फॉर विच ए लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन हैव ग्रेटर रेजोनेंस एनर्जी आर मोर स्टेबल स्पेशली इफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑफ इक्वल एनर्जी। एग्जाम्पल हम कौन से दे रहे हैं, ब्यूटाडाइन की, 1,3 ब्यूटाडाइन, उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो ओनली 17 किलो जॉल पर मोल है। Whereas benzene, for which two equivalent structures make significant contribution, has resonance energy of 152 kilojoule per mole. ये दो examples आप देख लें। तीसरी example है nitric acid और nitrous acid, HNO2. तो nitric acid ज्यादा strong है nitrous की निस्बत, तो इसमें भी सिमिलर इसका इफेक्ट है कि नाइट्रेट और जो नाइट्राइट आइंस हैं इनकी स्टेबिलिटी, यानी नाइट्रेट आइन इज मोर स्टेबल देन नाइट्राइट आइन। ये उसी छठे पॉइंट का कि अगर उनके सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ज्यादा हैं तो उनकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगी और उनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब देखें, एज एन एग्जाम्पल, ये नाइट्रेट के तीन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स आ गए सामने आपके, आप इस चीज को समझ सकते हैं। जो नाइट्राइट है NO2-, इसके कितने बनेंगे, दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। इसीलिए आप ये कहते हैं कि नाइट्रेट जो आयन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू नाइट्राइट आयन। सिमिलरली अगेन, द ग्रेटर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज कंपेयर टू अल्कोहल्स इज एट्रीब्यूटेड टू द लार्ज रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन ऑफ द एनायंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड रिलेटिव टू द अनआयनाइज्ड एसिड्स। देखें, पहले हमने अल्कोहल को ड्रॉ किया, RCH2OH प्लस एक बेस उसमें ऐड कर रहे हैं। अल्कोहल को यहां हमने शो किया, ये एक एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है बेस को, तो उसे एक एनायन बन गया, एल्कोक्साइड आयन या अल्कोहलेट आयन जिसे आप कहते हैं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी बेस ने एक प्रोटॉन एच को एक्सेप्ट किया, उससे कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन होती है। अब इसी को फर्दर आप नोट करें कि फॉर द अनआयनाइज्ड अल्कोहल एज वेल एज द एनायन ऑफ द अल्कोहल, ए सिंगल लेवल स्ट्रक्चर इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल। इनका यानी आप कोई और ड्राई नहीं कर सकते रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड्स, देयर इज नो रेजोनेंस आइदर इन alcohol or its alcoholate ion, and the loss of proton does not add to the stability of the molecule. On the other hand, the anion of carboxylic acid has greater resonance stabilization than its unionized form. Pehle thoda sa isi alcohol ko main wazeh kar dun ke jab alcohol agar ek proton रिलीज करे तो उससे अल्कोहलेट जो आयन बनता है, इसका नेगेटिव चार्ज
ये डीलोकलाइज नहीं होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसमें पैदा नहीं होगी, इसीलिए ये उस प्रोटॉन को फौरन वापस क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, हाईली रिएक्टिव होगा, या दूसरे लफ्जों में एच प्रोटॉन को रिलीज ही नहीं करेगा। किसके कंपैरेटिवली, मसलन आप इसे नोट करते हैं कंपैरेटिव टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें जो इसका आप देख रहे हैं कि एज कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर कार्बोक्सिलेट आयन है तो भी इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड में या उसके आयन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर मौजूद है, इसी चीज को आप कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, कि ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो वो क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया, फैल गया और अपनी स्टेबिलिटी को उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अच्छा, इसी तरह से देखें नेक्स्ट रूल जो 7 है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर मोर देन 2 एडजेसेंट एटम्स इज मैक्सिमम इफ दीज एटम्स आर इन 1 प्लेन। ये बड़ी अहम बात है। दस बेंजीन, ब्यूटाडाइन, विनाइल क्लोराइड एंड अदर मॉलिक्यूल्स फॉर विच सेट्स ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर वर प्रीवियसली रिटन आर ऑल प्लेनर मॉलिक्यूल्स, के अगर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है तो सिर्फ उसी सूरत में कि अगर सारे के सारे एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डीलोकलाइज हो रहा है वो एक ही प्लेन में मौजूद होने चाहिए। अगर बीच में आकर प्लेन जो है वो शिफ्ट हो जाए तो डीलोकलाइजेशन भी वहां पर आकर स्टॉप हो जाएगी। सो देयर इज नो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ वन पेयर ऑफ डबली बॉन्डेड एटम लाइज इन ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एन अदर पेयर ऑफ डबली बॉन्डेड एटम्स आर एन अदर एटम विद एन अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव चार्ज और ए नेगेटिव चार्ज। तो ये बासकत एक फिक्रा लेंथी हो जाता है, उसके हर एक पार्ट को आप अपनी समझ में ले आया करें। एज एन एग्जाम्पल, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन के इसमें 8 कार्बन एटम का एक रिंग है, यानी पहले तो आप एक ऐसा रिंग बना लें जिसमें कार्बन एटम 8 आप शो कर दें, फिर उसमें क्या करेंगे कि ये एक ही प्लेन में जैसे बेंजीन का आपने ड्रॉ किया था, ये सारे के सारे यानी जो 8 कार्बन एटम हैं ये सारे एक ही प्लेन में मौजूद नहीं होते। जो 4 कार्बन एटम हैं जहां ये देखें ना डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ये एक ट्रे शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसमें, तो इसमें क्या है कि ये जो 2 डबल बॉन्ड्स हैं आमने सामने एक दूसरे के, ये एक प्लेन में हैं, फिर 2 सिंगल बॉन्ड ये एक ही प्लेन में है, फिर ये 2 डबल बॉन्ड वो फिर एक अलहदा प्लेन के अंदर मौजूद हैं, तो ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, तो इसीलिए एक सिंगल स्ट्रक्चर होगा, इसमें कोई डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा देखें ना, हर एक कार्बन अल्टरनेट डबल बॉन्ड है इसमें और सिंगल बॉन्ड, यानी कंजुगेटेड सिस्टम है, इट इज ए काइंड ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम विद अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, बट देयर इज नो डीलोकलाइजेशन, देयर इज नो रेजोनेंस इन दिस स्ट्रक्चर। सो दिस साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर जो आपके सामने मौजूद है। वजह उसकी क्या बन रही है कि सारे के सारे जो इसके पी इलेक्ट्रॉन्स हैं हर कार्बन एटम के ऊपर वो एक ही प्लेन के अंदर मौजूद नहीं है। एक प्लेन में होते तो उनके दरमियान ओवरलैपिंग हो सकती थी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल था, डीलोकलाइजेशन पॉसिबल थी, हम उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते थे। तो ये देयर आर 4 लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल
since one double bonded pair of atom lies in a plane which is perpendicular to the plane of the next pair of doubly bonded atoms, resonance contributing structures, which would imply delocalization of the pi electrons, cannot be written for this molecule. ये उसी की वजाहत आ गई जो मैंने आपको एक बात की है. Compare the following compounds for their strength as bases. देखें पहले क्या है, एनिलीन, पता है आपको बेंजीन के साथ NH2 अटैच है. फिर एनिलीन के साथ 2, 4, 6 पर हमने तीन नाइट्रो ग्रुप्स लगा दिए, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन आ गई. उसके बाद फिर क्या है, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो है और उसके साथ क्या है कि नाइट्रोजन जो है NN, जिसे आप कहते हैं डाई मिथाइल, यानी दो मिथाइल जो इसके साथ मौजूद है. तो इन तीनों की अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ्स को नोट करें कि कौन सी में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, इसका एक ऑर्डर भी आप जहन में ला सकते हैं. देखें ये नीचे इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ किए गए हैं. द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक करेक्टर इज दैट एनिलीन इन में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है. उसके बाद एन एन डाई मिथाइल 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन है और सबसे वीक बेस कौन सी है, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन जो है ये इसमें से सबसे वीक बेस के तौर पर होगी. अब उसकी देखें रीजन क्या बन रही है कि ये जो ट्राई नाइट्रो एनिलीन है, नाइट्रो ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे. आप इसके उन रूल्स के मुताबिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कर लेंगे. ये आपके सामने हैं कि तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमने इसके लिए ड्रॉ किए. किसके लिए, ये हो गया 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन. अच्छा अब ये इसमें क्योंकि रेजोनेंस के तीन स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो ये क्या हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया. जो NH2 पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दरअसल उसी ने बेसिक करेक्टर शो करना है. अमोनिया है ना, जैसे NH3 नाइट्रोजन पर क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है ना, या ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो इस वजह से ये बेस है. अब देखें वही नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होगा, डीलोकलाइज हो गया, तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या रहेगी, कम रहेगी. तो जब वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट नहीं कर सकेगा तो क्या एक्ट करेगा, एज ए वीक बेस के तौर पर ही एक्ट करेगा. जबकि दस्ती इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अमीनो नाइट्रोजन एटम आर एक्सटेंसिवली डीलोकलाइज्ड ओवर ऑल द ऑक्सीजन एटम्स ऑफ द नाइट्रो ग्रुप्स, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द अमीनो नाइट्रोजन इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, making it a poor electron pair donor in the acid base reaction. ये इसकी explanation आ गई. अब next, हाँ अगर आप इसमें फिर वापस थोड़ा सा आ जाएं कि ये जो हमने comparison दिया है, तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो NH2 है ये ज़्यादा basic है, किस वजह से कि जो lone pair of electron है नाइट्रोजन के ऊपर, इसे आप कहेंगे कि ये जो है. अच्छा देखें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इसकी निस्बत हमने कहा कि एन एन डाई मिथाइल 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो जो है, इसकी क्या वजह है कि ये 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन से क्यों ज़्यादा बेसिक है, उसकी वजह है फिर स्टीरिक हिंड्रेंस या स्टीरिक फैक्टर है, तो इसे आपने नोट करना है. देखें स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या चीज़ है. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रेजोनेंस इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द एटम्स इन्वॉल्व्ड
in resonance to be in the same plane to facilitate the delocalization of the electrons. If some atoms are forced out of planarity, resonance is prevented or reduced. For example, consider the effect of ortho substituent on the basicity of NN-dimethyl-246-trinitroaniline. Structure of the above type cannot be written for NN-dimethyl-246-trinitroaniline. ये स्ट्रक्चर आप देख लें, ओपन जब आप इसे करेंगे, ये जो नीचे देखे ना, एन के साथ जो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं और दोनों ऑर्थो पोजिशन पर क्या है, ऑर्थो पोजिशन क्या होती है, जो एडिसेंट पोजिशन होती है, नाइट्रो ग्रुप्स मौजूद हैं। ये नाइट्रो ग्रुप्स क्या करेंगे कि ये स्टीरिक रिपल्शन, जिससे आप कहते हैं स्टीरिक इनहिबिशन काज करेंगे। इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका प्लेन जो है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा। बात को समझें, कोशिश करें इसे, कि NO2 ग्रुप्स जो ऑर्थो पोजीशंस पर हैं, इनकी रिपल्शन किस पर होगी, NCH3CH3 पर होगी। अब इससे इफेक्ट इसका क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है और ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये एक प्लेन में नहीं रहेंगे, इनका प्लेन डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो जो ही लोन पेयर नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेटेड सिस्टम तो है इसमें, लेकिन प्लेन जो है वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया। इसीलिए ये क्या कर सकेगा, डीलोकलाइजेशन इसमें पॉसिबल नहीं होगी और हमें इसका सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पर, ये अवेलेबल होगा। इसलिए ये ज़्यादा बेसिक करेक्टर शो करेगा, किसकी निस्बत, ट्राई नाइट्रो एनिलीन की निस्बत, कि उसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, जबकि इसमें ये डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो इसी बात को ये सारा इसमें नोट किया हुआ है, आप इसे रीड कर लें। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये रेजोनेंस एनर्जी का एक टॉपिक है, ये क्योंकि सेपरेट टॉपिक के तौर पर शामिल हो जाता है, उस मैंने इसे यहाँ आपकी सहूलत के लिए प्रोवाइड कर दिया है। बाकी ये सारा कुछ आपने पहले नोट किया हुआ है कि अगर साइक्लोहेक्सीन में एक डबल बॉन्ड है, उसमें आप उसे कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजिनेशन एनर्जी के जरिए। अब रेजोनेंस एनर्जी है क्या, कंसेप्ट तो है ना आपको इसका, कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ हाइब्रिड मॉलिक्यूल, या जो उसका हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल जो फॉर्म है, इनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस, उसे अब रेजोनेंस एनर्जी कह देते हैं। इसे हाइड्रोजिनेशन से कैलकुलेट किया हुआ है, आप रीड करके, पहले वाला टॉपिक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इस पर मैं ज़्यादा वक्त नहीं मजीद लगाना चाहूँगा। इस तरह से ये रूल्स फॉर रेजोनेंस का जो एक टॉपिक है, तीन लेक्चर में कम्प्लीट हुआ। आप लोग इसे रीड करें, और ये टू मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के अंदर जितने भी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन नोट करेंगे या उनकी रिएक्टिविटी आप नोट करेंगे, उसमें ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, स्टीरिक इनहिबिशन, या इसके साथ साथ जो डीलोकलाइजेशन है, इसी की होगी, या दो एक टॉपिक्स जो और रहते हैं उनकी सारा इफेक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।